वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस को जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रक ने मारी टक्कर, 10 घायल। हीरानगर उपमंडल में शनिवार को जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो सड़क हादसों में 11 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पहला हादसा सुबह करीब 6 बजे दयाला चकचौक के नजदीक हुआ, जहां माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जा रहे श्रद्धालुओं से भारी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 10 यात्री घायल हो गए। मामूली चोटों को देखते हुए घायलों ने यहीं पर निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपना इलाज कराया। घायलों की पहचान रेखा थांगी पत्नी प्रदीप कुमार, जयवंत महादु पत्नी महादु धर्म, मंजुला पत्नी रामदास, संजय थांगरी पुत्र बालकृष्ण रामदास पुत्र गणपत, प्रफल थांगरी पुत्र गयानंद, संगीता थांगरी पत्नी गयानंद, सागर पुत्र नारायण, जनार्दन पुत्र बुधा, सभी निवासी मुंबई महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टैंकर और ट्रॉले की टक्कर में एक घायल। दूसरा हादसा छन्न मोरिया के नजदीक हुआ। इसमें सीमेंट मिक्सर टैंकर पीवी 65BF 4702 और ट्रॉला PV05AR8883 की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने कड़ी मशक्कत से घायल को केबिन से बाहर निकाला और उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद GMC कठुआ के लिए रेफर कर दिया। घटना की पहचान सऊद अहमद पुत्र अल्लाही रंग निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।